Hello student, now we are solving question number 6. Okay, find the value of x, y and z from following equation. So from the point of view of the board exam, it's important. This second part or third part, important, already has come in your exam. Okay, board exams. So question number 6, x, y, z ki value find out kariye, ye use kariye. To isme use karega equality of matrices. Okay. तो देखिए यहां पे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं. वन रो सेकंड रो, वन कॉलम सेकंड कॉलम, कितना हो गया 2/2 का ऑर्डर हो गया. ठीक, ऐसे से वन रो टू रो, टू रो है, 1 2 टू कॉलम्स है, तो 2/2 का है, कंपैरिजन हो सकती है इजीली. क्लियर? तो अब क्या कर सकते हैं, देखो 4 है यहां पे, तो यहां भी 4 होना चाहिए था, तभी तो इक्वल में आते. तो हमने क्या लिख दिया यहां पे, 4 = y, तो y की वैल्यू तो आपकी 4 आ गई निकल के. z यहां पे 3 होना चाहिए था, तो 3 = z, z की वैल्यू 3 आ गई. उसके बाद x, x = 1, ये x की वैल्यू आ गई, तो आपके तीनों वैल्यू निकल के आ गई. कैसे करा, कंपैरिजन करा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करके. 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2/2 का, तो इसमें ये क्या कहते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं इसमें, तो उसके कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट कर लिए. ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें x plus y 2 और 5 plus z और xy equals to ये 6 2 5 8 ये हमारे पास. क्लियर? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से वही 1 2 1 2, ये 2/2 का बन रहा है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का बन रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन हो जाएगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज कर रहे हैं हम यहां पे. तो x plus y equals to 6 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. क्लियर? उसके बाद 5 plus z, तो 5 plus z equals to 5, तो z equals to 0 आ जाएगा, 5 minus 5, तो z की वैल्यू 0 सॉल्व कर दिया आपने. उसके बाद आपके पास xy is equals to, ये xy equals to 8, तो आपने लिख दिया xy is equals to 8, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 से आपने y की वैल्यू निकाल ली, यहां से 6 minus x, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो आप, तो क्या बन जाएगा, x y के प्लेस पे आ गया 6 minus x is equals to 8, तो बन गया 6x minus x square equals to 8. इस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो बनेगा x square minus का 6x plus 8 equals to 0. 8 कैसे फैक्टर को 6 आ जाए, तो 4 2 जाए 8, 4 और 2 6 हो जाएगा, x square minus का 4x minus 2x plus 8 equals to 0. x कॉमन ले लिया फर्स्ट में से, तो x minus 4, यहां से 2 कॉमन लिया तो x minus 4 equals to 0, तो x minus 4 और x minus 2 equals to 0, तो x minus 4 equals to 0 और x minus 2 equals to 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई और यहां x की वैल्यू 2 आ गई. क्लियर? x आ गया, y निकालना, लिख देंगे if x equals to 4 then y is equals to 6 minus 4 equals to 2. लिख देंगे if x equals to 2 then y is equals to 6 minus 2 is equals to 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी उस केस में. क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू. क्लियर? नाउ वी आर सॉल्विंग थर्ड पार्ट ऑफ दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव गिवन दिस इक्वेशन, लुक 1 2 3, ओके, एंड वन कॉलम 3/1 का बना हुआ है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 3/1, ऑर्डर सेम है. क्लियर? अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए इसके, इक्वल, तो हमने लिख दिया है कंपैरिजन करके, x plus y plus z equals to 9, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, फिर x plus z equals to 5, इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी, फिर y plus z equals to 7, इक्वेशन नंबर 3 आ गई. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड x y एंड z, हाउ वी विल फाइंड, लुक इक्वेशन 1 और 2 को ले लो पहले, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x plus y plus z equals to 9 है, तो x plus y plus z equals to 9, तो इस x plus z के प्लेस पर हम क्या यूज कर सकते हैं, 5 equals to 9, x plus z के प्लेस पर हमने क्या यूज कर दिया, 5, क्योंकि x plus z कितना है, 5 के इक्वल,
तो y इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 5 यानी y की वैल्यू आ गई 4. क्लियर. नाउ ऐसी इक्वेशन 1 और 3 को यूज कर लो, यानी कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. तो उसमें y प्लस z की वैल्यू 7 है, यहाँ x प्लस y प्लस z 9 है, तो लिख देंगे x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 9 है, तो y प्लस z की जगह क्या डाल देंगे 7. ये तो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7, तो x इक्वल्स टू 2. ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z नहीं निकाल सकते, तो लिखेंगे यूजिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y plus z equals to 9. x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं कितना 2, ये पुट कर दिए यहाँ पे, plus y we have find out 4, plus z equals to 9, तो ये बन गया 6 plus z equals to 9, z equals to 9 minus 6, तो z equals to बन गया 3. ये वैल्यूज आगे निकल गया, x 2 हो गया, y 4 हो गया, x equals to 2, y equals to 4, z equals to 3. This is the answer. इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से.